और बॉम्बे में भी था. आई वाज फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 years आई वाज इन बॉम्बे ट्राइंग फॉर एक्टिंग एंड ऑल. बट फाइनली जो हमारी थिएटर की टीम है वी हैव गुड कमांड ऑफ कॉमेडी. तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार किसी का कुछ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, किसी का कुछ नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने डिसाइड किया चल कुछ खुद ही करते हैं. Because we were good with the content, उस पे हमारा hold बहुत अच्छा है. और अच्छी बात ये थी कि मैं भट्टी जी को जानता था तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मैं प्रोजेक्ट का होगा क्या. तो भट्टी जी से भी मेरी बात हुई और इनसे मैंने डिस्कस किया तो he said like ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, उसके बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं. तो हमारी पूरी थिएटर की टीम आई साथ में, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिसाइड किया. आई थिंक जैसे संतोष भाई ने बोला है कि ये पहली फिल्म है जिसमें एक डायरेक्टर का नाम नहीं है, दो डायरेक्टर का नाम नहीं है, पूरी टीम ही है. तो ये ऐसी पहली फिल्म है जिसका प्री प्रोडक्शन है ही नहीं, पेपर पे है ही नहीं. जो स्क्रिप्ट लिखी गई है मूवी की, पहली जो स्क्रिप्ट लिखी गई है एक्चुअली में जिसको बाउंड स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो सेंसर में जानी थी इसलिए वो स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी की पूरी. देयर इज नो स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी. इट्स मेड एग्जैक्टली द वे थिएटर इज मेड और द प्ले इज मेड. We decide something, next day we decide to rehearse it. और एक-एक करके हम scenes जोड़ते जाते हैं और finally फिर जाके हम लोग फिल्म के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कॉमेडी है काफ़ी और एक पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर है कि उस बंदे को क्या दिक्कत हुई. मतलब जैसे होता है ना कि फंसने लगता है किसी एक चीज़ में, फंसने लग रहा है तो वो उसके ऊपर है. और बाकी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कॉमेडी है वो तो आपने ट्रेलर में देखा, कॉमेडी है. और आप सर कुछ पूछना चाहेंगे? आप हाँ. नहीं, रियल कैरेक्टर नहीं है, रियल कैरेक्टर नहीं है. ये कैरेक्टर हम पूरी टीम ने सबने मिलके बनाया, ये कैरेक्टर सबने मिलके बनाया है. और जो भी है, जब हम फाइनल कर रहे थे इस टॉपिक को फाइनल कर रहे थे तब हमारे दिमाग में मतलब जो भी है, जब भी करते थे, एक्ट करते थे या जो भी करते थे, वो सर करते थे. कुछ चीज़ें मेरी होती थी, कुछ चीज़ें सर की होती थी, जो बाकी टीम थी हमारी वहाँ पे ऑन द स्पॉट पे होती थी उनकी होती थी. और कुछ पहले तो जब हमने स्टार्ट किया तब ये नहीं सोचा कि हमें किसी को लेना चाहिए, किसी को कास्ट करना चाहिए. जब था जो भी था सर थे हमारे लिए और जब हम कर रहे थे तब भी वही चल रहा था. हाँ, रिलीज़ करने में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि हमें ना नॉलेज थी किसी चीज़ की कि टेक्निकल कैसे होता है. जो आपने बताया टेक्निकल में जो प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम आई. और पोस्ट प्रोडक्शन में हो, प्रोडक्शन में हो या फिर डायरेक्शन में हो, तो वो सब जो भी देखा जाता था हम सब मिलजुल के देखते थे. ये फिल्म मनोरंजन के हिसाब से बनाई गई या फिर मैसेज दे रही है? ये मैसेज दे रही है. किस तरह का मैसेज क्या है? सर वो तो आपको देखना पड़ेगा. जैसे अभी सर से क्वेश्चन पूछा था, ये काफ़ी इसका जो भी है टॉपिक है वो शुभ मंगल सावधान से मिलता जुलता है. जैसे उसमें हमें एक मैसेज मिला जो उसमें हाँ ये भी कहीं उसी के आसपास है बट उससे अलग है. उसका मतलब उसकी पटकथा जो थी, पटकथा कुछ ज़्यादा ही बड़ा नाम नहीं ले लिया, और इसकी दोनों काफ़ी अलग है. इसमें शादीशुदा है जो मेन कैरेक्टर है, शादीशुदा है या फिर नहीं शादीशुदा नहीं, होने वाली है. वही उसके ड्रीम में आता है. इसीलिए जो अभी सर ने वहाँ पे भी बताया कि जो मेन लीड पे हीरोइन है उसका भी एक सीन है बस, वो भी सपनों में है लेकिन एक ही सीन है. अच्छा, ये तो पोस्टर में प्याज के साथ दिखाया गया है, इसका कारण क्या जरा बताना चाह रहे हैं दर्शकों को? प्याज एक हम सर प्याज के ऊपर है तो वही बच रहा हूँ. प्याज हमने इसलिए दिखाया, वैसे तो सबको पता है जैसे अभी बता दिया कि एक वो जो होती है ना
सेक्स पावर जो होती है उससे वो बढ़ती है। मेरे को भी उन्होंने यही एक रीज़न दिया था कि भैया उससे कुछ ऐसा होता है, तो वही सर ने बताया, तो उसी को करते हुए ये कुछ ऐसा है। हाँ, आप सर कुछ पूछ रहे थे। उमाकांत पांडे, मेरे पास ये बच्चे सारे थिएटर के बच्चे हैं, तो ये मुझसे दरअसल पहले से ही कनेक्ट थे जब ये बना रहे थे। उन्होंने कहा सर हम एक मूवी प्लान कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कहिए, जो भी हेल्प चाहिए मैं करूँगा उसमें। तो इसके बीच में मेरी एक मूवी आई थी अभी 27 जुलाई को, व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा, तो मैं उसमें बिजी हो गया। तो इस बीच इन बच्चों ने बना के रेडी कर ली सारी चीज़। तो उसके बाद में हम मिले, मैंने मूवी देखी, मूवी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक, मतलब जो उस तरह से चल रहा है ना, कनेक्टेड होता जा रहा था। मैंने ठीक है, इस पर हम करेंगे काम सारी चीज़। बात करें आप सपोर्ट आपने पिक्चर में, इसके अलावा आपने डायरेक्टर भी किया है पिक्चर में? मैंने नहीं, नहीं नहीं, मैं ओनली प्रोड्यूसर प्रेजेंट। कहाँ कहाँ पिक्चर शूटिंग हुई है? ये अपनी दिल्ली और NCR कुछ इलाहाबाद में इस तरह का शूट किया है। जब ये प्रपोजल आपके पास आया तो आपको कैसा लगा? नहीं, प्रपोजल पहले मैंने देखा है सर, पहले इन्होंने मुझे बताया कि भाई हम सर ये लेके आ रहे हैं, हम सारे थिएटर के बच्चे, आपने आप ये बोलते कि आपको सुना है हमने कि आप नए बंदों को सपोर्ट करते हो, तो सर हमारा एक ये कॉन्सेप्ट है, अगर हम करें तो आप हमारी हेल्प करें, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ, मैं हर उससे आपकी सपोर्ट करूँगा जैसे मुझसे बनेगा। तो फिर इन्होंने बनाया कि मुझे दिखाई भी मूवी, देखने के बाद मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा हाँ निकल सकती है। इसमें तो काफ़ी समय लग गया, ये बच्चे इन्होंने क्या छोटा छोटा, जैसे जैसे इन बच्चों के पास में फंड आता रहा उस हिसाब से काम करते चले गए, तो इसे लगभग 1.5-2 साल लग गया प्रोजेक्ट में। मतलब नहीं नहीं नहीं, ये अपने उसी हिसाब, क्योंकि थिएटर के बंदे हैं तो इनके जो जो वो आता था, थॉट आता था, उसी हिसाब से कि आज थॉट है ठीक है भाई नेक्स्ट वीक हम शूट चालू कर रहे हैं। आपके माइंड में कुछ ऐसा थॉट आया? नहीं, इन्होंने जब स्टोरी बताई, मैंने कि स्टोरी अच्छी है, क्योंकि इन्होंने बताया कि एक बच्चा, एक उमाकांत पांडे हैं जिससे कि अपना अपने आप में एक शक पैदा हो जाता है कि भाई मैं शायद आगे इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो क्या है बहुत ही सीधा सच्चा बंदा है, किसी का कोई दोस्त यार दोस्त ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसे साली जो शादी में जाता है, जैसे इसकी मंगनी होती है, तो उसमें कुछ बोल देते हैं कि ये तो जीजा में तो कुछ नहीं है, तो इस तरह का फिर वो उस पर पोस्टर पे गांधी के साथ में जूता भी लटका हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग अब सारी चीज़ मुझसे पूछेगा, ये चीज़ ज़्यादातर वो बता पाएंगे। ये 11 जनवरी में, ये अभी हम दिल्ली और बॉम्बे में भी इससे करेंगे, ज़्यादातर छोटे उन्हें पकड़ के चलेंगे, तो जिस हिसाब से मूवी है कुछ मल्टीप्लेक्स भी करेंगे उस हिसाब से काम करेंगे। प्रमोशन कुछ और करने वाले? हाँ, प्रमोशन अपना चलेगा अभी। थैंक यू। बात करें सर उमाकांत पांडे में, आप आए सर, मैं इस टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मेरी जो प्रीवियस मूवी के प्रोड्यूसर हैं देवेंद्र सिंह जी भाटी, जिन्होंने मेरी मूवी व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा जो कि 27 जुलाई को रिलीज़ हुई थी से प्रोड्यूस किया था, तो उन्हीं की बैनर से ये फिल्म आ रही है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, आजकल का जो यूथ है, जो जॉनर है, वो बहुत अच्छी अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी है और बहुत मेहनत से बनाई गई है, और नई टीम है, नए लोग हैं। मैं चाहता हूँ सबको कि देखें, और जैसे आप नए यूथ को, नई स्टोरीज़ को, बिकॉज बॉलीवुड अभी कंटेंट ड्रिवन हो गया है, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, कितनी भी बड़ी फिल्म हो, वो नहीं चलती है अगर स्टोरी अच्छी नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत मेहनत की है सब ने और बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, नए लोग हैं, तो अपना प्यार दीजिए, सराहना दीजिए और उमाकांत पांडे जाइए अपने नियरेस्ट थिएटर्स में देखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अगर उमा पांडे का रोल आपको दिया जाता तो क्या आप करते? ज़रूर सर, मैंने पहले जो दो मूवीज़ की हैं दोनों कॉमेडी हैं सर। जो लास्ट मूवी थी व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा, उसमें मैंने अमन ओसामा का करेक्टर किया था, सो मुझे बहुत मज़ा आता है चैलेंजिंग रोल्स करने में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है, जहाँ हमने आप सबने ट्रेलर देखा, आपको पता लगा होगा कि कैसे कैसे वो नए नए अपने दोस्तों के उसमें आके फंस रहे हैं। सो बहुत मज़ा, मुझे बहुत चैलेंजिंग रोल्स बहुत पसंद है सर, सो आई वुड लव टू डू दैट रोल। आपको पोस्टर में, एक मिनट, पोस्टर में दिख रहे हैं, कैन यू बिलीव इट, इज इट इज द, तो ये बताएंगे आपको इस फिल्म के बारे में।
साहब यहाँ पर आप टॉयलेट में बैठे हैं क्या है मतलब या करेक्ट करेक्ट ऐसा ही है। ये है मिस्टर उमाकांत पांडे जी, इलाहाबाद से हैं। इनको जो स्टोरी है मूवी की, इनको थोड़ा सा डाउट हो गया है दैट ही इज़ नॉट फिट फॉर स्वागरात और ही हैज सम डाउट एंड देन 30 दिन के बाद शादी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड उन 30 दिनों में व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू एंड यू कैन लुक एट हिज फेस हाउ इनोसेंट ही दिस गाय इज राइट एंड दैट वो जो असमंजस से वो गुजर रहे हैं उन 30 दिनों के अंदर दिस मूवी इज ऑल अबाउट। रिसेंटली आयुष्मान खुराना की जो फिल्म आई थी जहाँ पर वो सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में बात होती, तो क्या इस तरह की फिल्म है, किस तरह का है थोड़ा सा? इतना अच्छा मेकअप कहाँ से, कौन है मेकअप आर्टिस्ट? नहीं नहीं मेकअप नहीं है, इट्स रियल। तो कैमरे पे डिफरेंट लग रहे हैं फिर अभी? अच्छा अभी मेकअप है, नहीं अभी ये मेरी मूंछ असली है, मुझे चश्मा लेना पड़ा, बाल मेरे असली है, बाकी एक्स्ट्रा करना पड़ा मुझे। सो इट्स एक्ट्रेस को क्यों नहीं मौका मिला पोस्टर में? किसको? इट्स दिस स्टोरी इज एक्चुअली अबाउट पांडे। अगर आप किसी और को नहीं। मेरा किरदार इस ट्रेलर लॉन्च तक का ही है, मैं इस मूवी में नहीं हूँ। मैं शुभकामनाएं देने आई हूँ यहाँ पे। भाटी जी की लास्ट मूवी में आई वॉज द मेन लीड और आपको पता भी था और आपने मेरा बहुत अच्छे से इंटरव्यू भी लिया है वहाँ पे, तो फिर इस मूवी में मैं अपनी अच्छी विशेष देने आई हूँ। जैसे कि अगर आप बात करें तो इतने गंभीर मुद्दे पे फिल्म बनाना आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे ऑफकोर्स अब तो हम लोग बहुत वोकल हो गए हैं बिकॉज अब इंडिया में वेब सीरीज़ ऐसी बन रही हैं, ऑडियंसेस इतनी इंटेलिजेंट हो गई हैं, एवरीबडी इज़ वोकल अबाउट इट, बट येस जितना हम बोले उतना कम आई वुड से। तो अगर ऐसा कोई मुद्दा उठा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देखना चाहती हूँ आप लोगों ने नया क्या लाए हो इसमें। और ऐसी एक फिल्म बनी है, अब ये दूसरी है, तो एक तो हम देख चुके हैं, दूसरा हम देखना चाहते कि इन्होंने नया क्या लाया और स्पेशली प्याज के साथ। क्या है स्त्री रोग, क्या था, क्या लिखा है वहाँ पे आपका? स्त्री पुरुष गुप्त रोग चिकित्सा करवाते हैं आप? अच्छा ऐसा कुछ है। ओके तो नेक्स्ट फिल्म में तो मैम लोग हो गई ना? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली इंशाल्लाह शायद। हां डेफिनेटली मैंने नहीं पढ़ी है, दोस्तों से खूब स्टोरी सुनी है तो वो सारे आइडियाज हैं। आपने क्यों नहीं पढ़ी? क्या बोलूं, आप ऐसे मुद्दे को उठा रहे हो तो आपको ऐसे शर्माना नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैं शर्मा नहीं रहा हूं, मैं शर्मा नहीं रहा हूं, मैं आप बोल सकते हैं थोड़ा ज्यादा शरीफ होऊंगा तो इसलिए, बट दोस्त सारे वैसे ही थे तो हमें पता है कि हाँ भाई व्हाट दे टॉक अबाउट और उन लोगों ने पढ़ी हुई है, हाउ डज इट फील। तो जो शूट में हम लोगों को चाहिए था उन्हीं दोस्तों को कांटेक्ट किया था, भाई मुझे बुक्स चाहिए कहाँ से मिलेगी लाके।